तो आज था मुन्ना का जन्मदिन, मुन्ना जानी हमारा नीस, मतलब निशांत के बड़े भैया का बेटा, तो आज था उसका बर्थडे। तो हम लोग गए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो ये देखिए वो कैसे केक काट रहा हो, इतना एक्साइटेड था ना वो केक काटने के लिए। हम लोग लेट पहुंचे थे तो बस हमारी वेट हो रही थी, तो जैसे ही हम पहुंचे उसने फटाफट केक काटा और सबके मुंह में डाल दिया, मतलब इतना एक्साइटेड था वो केक को लेके। तो बताइए बच्चे तो रहते ही हैं, केक के दीवाने होते हैं बच्चे, तो ऐसे ही उसने सबको केक खिलाया। फिर उसके पापा ने उसके थोड़ा सा मुंह पे लगा दिया, तो देखिए कैसे, मतलब उस वो खुश हो रहा था, जब उसके मुंह पे लगा रहे थे तो उसको इतना खुश हो रहा था ना, वो मज़ा आ रहा था, जैसे उसको उसको केक काटने की इतनी खुशी नहीं थी, तो उसको बड़ा मतलब उसको शौक है जैसे केक मुंह पे लगाए उसके कोई, तो देखिए कैसे मतलब खुश हो रहा था। ये उसके कजन्स हैं, उसके मामा जी के बेटा और बेटी है, तो देखिए कैसे मतलब वो लोग केक से ऊपर से लगा लगा के, कोई साइड से खा रहा है, कोई ऊपर से फ्रूट्स खाई जा रहा है, और देखिए ये मतलब खुश थे बहुत बर्थडे के लिए। तो ये आप देख सकते हैं केक के साथ कैसे उसका चेहरा भर दिया है पूरा, और ये केक फिंगर्स भी चाट रहे हैं और खा रहा है फिंगर्स। केक गाइस बहुत यम्मी था, फ्रेश फ्रूट केक, बहुत ही यम्मी केक था, फ्रेश फ्रूट था, तो काफ़ी टेस्टी था, बड़ा मतलब फ्रेश फ्रेश था, अच्छा लगा मेरे को केक, काफ़ी पसंद आया मेरे को केक। और ये देखिए गाइस, जिसके लिए बच्चे एक्साइटेड होते हैं सबसे ज़्यादा, कि हमें क्या गिफ्ट मिला है, किसने क्या दिया है, बच्चों को तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की होती है। कई लोग पैसे वगैरह दे देते हैं बच्चों को, वो चीज़ बच्चों के लिए तो नहीं है, बच्चे तो गिफ्ट के लिए ही होते हैं, गिफ्ट उनको चाहिए, गेम्स दे दो उनको, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को गिफ्ट ही चाहिए होता है, तो गिफ्ट देख के तो वैसे बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको ही गिफ्ट पसंद आते हैं। तो ये देखिए गिफ्ट के लिए इतने एक्साइटेड हैं, गिफ्ट खोल रहे हैं फटाफट, मतलब जैसे तैसे करके गिफ्ट खुल जाए जितनी जल्दी हो सकता है। तो देखिए पता नहीं क्या होगा इसमें, मे बी गेम है, गेम गाइज ये डार्ट गेम है, तो इसको इतनी पसंद आई ये गेम, बोल रहा था कि मेरी तो फेवरेट गेम है। देखिए कैसे मतलब उसको देख रहा, और ये गेम इनको पता ही नहीं था क्या है, ये थी पकेट गेम इनको पता ही नहीं थी कि कौन सी गेम है। तो इसमें मेरे को भी, मैंने भी तो पहली बार देखी थी ये गेम, तो मैंने भी कभी खेली तो नहीं है ये गेम, तो आप लोगों को शायद पता होगा। इस पे जैसे हम कैरम बोर्ड पे जो होती है स्टाइगर के साथ खेलते हैं, वैसे इसमें भी हम स्टाइगर के साथ इसको खेलते हैं। तो ये आप देखिए ये डार्ट गेट उसने गेम निकाल लिया है, इसको जैसे सामने किसी भी मतलब बोर्ड को लगा के रख सकते हैं। फिर गाइज एक और केक आया, उसके चाचू आए थे और एक और केक लेके आए थे उसके लिए, तो ये उसको काट रहा था, देखिए कितना खुश होके मतलब इतने एक्साइटमेंट से साथ काट रहा था। और देखिए ये खुल गई है उसकी गेम, और ये देखिए आप इसके साथ ये मिली है, बीच में ही है ये सारा इसका, और पीछे लूडो है और साथ में सांप सीढ़ी वाली गेम है, ये भी 3-in-1 गेम है, पॉकेट गेम के साथ साथ सांप सीढ़ी। और ये देखो कितनी मतलब मस्ती कर रहे थे ना ये लोग, इतना इन्होंने तंग किया हुआ था, इतना शोर मचाया हुआ था ना, पूछो ही मत, मतलब पूरी तरह से तंग करके रखा था इन्होंने हर बंदे को, हर चीज़ का इधर उधर फेंक रहे थे। और ये देखिए मतलब हम लोग अपनी वीडियो बनाने लगे थे, ये पीछे से ऐसे बोल ही जा रहे थे, मतलब काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, मज़ा आया हम लोगों को। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस के साथ, नई नई व्लॉग्स के साथ, तो ऐसे ही प्यार देते रहना हमारी वीडियोस को, ठीक है? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल करो, फॉलो करो, बाय।